हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने ये कली डाली है, यहाँ पे दो कलर से इस तरह से ये चेक में डिजाइन डाली हुई है। तो इसको मैंने 32 फंदे से बनाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंदे डालना बताऊंगी आपको, देखिए। और ये मैं साड़ी और चुन्नी से बना रही हूँ। आप चाहे तो वूल या मैक्रम किसी चीज से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम यहाँ पे 16 फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 16 फंदे डाल के मैंने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, हम यहाँ पे 2 फंदे ग्रीन और 2 फंदे ऑरेंज ऐसे फंदे डालेंगे। देखिए, सिंपल हैं ये भी, और इनको थोड़ा सा लूज डालना है। अब देखिए, इससे हम डालेंगे 2 फंदे ऐसे, ये देखिए 1 और 2। अब फिर से हम यही वाला कलर पकड़ लेंगे यहीं से, ऐसे 1 2, फिर से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 16 फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टोटल 32 फंदे मैंने ले लिए हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से फंदे ले लीजिए। जैसे मैंने 16 फंदे ऑरेंज लिए हैं और 16 ये दोनों कलर से डाले हैं। तो आप जितना मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट रो बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इनका हम कलर चेंज कर देंगे, ऑरेंज वाले ग्रीन बुन लेंगे और ग्रीन वाले ऑरेंज। ये देखिए ऐसे, दो दो फंदे बुनते जाना है चेंज करते हुए। ये देखिए, ये 16 फंदों का कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ऐसे। आप देखिए, ये यहाँ पे 16 फंदे हैं, इनमें हम ये वाली कली डालेंगे। तो ये हम येलो कलर इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए। कपड़े की पट्टी उधर करके सिलाई को मैंने पलट लिया। यहाँ से हम इसे उल्टा बुनेंगे, जो जैसा कलर है उसको वैसे ही आगे बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से। आप देखिए, इसको हम क्रॉस कराएंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे ऑरेंज इधर है तो ऑरेंज को हम इधर कर लेंगे और येलो को मैंने यही छोड़ दिया। अब हम ग्रीन को आगे करेंगे। तो 2 फंदे हम ये ग्रीन से बुनेंगे ऐसे। इस तरह से पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए, ये बना दी यहां तक। अब देखिए, हम फिर से वापस उल्टे तरफ कर लें। अब यहां से हम फिर से कलर इसमें चेंज करेंगे, ये ग्रीन वाला ऑरेंज बुनेंगे और ऑरेंज वाला ग्रीन। आप देखिए, यहां से 2 4 5 6
सात आठ नौ दस, ये देखिए ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये देखिए। अब इस रो में मैंने सिर्फ 14 फंदों का कलर चेंज किया है, दो फंदे ऑरेंज वाले हम येलो से बना लेंगे ऐसे, एक और दो ये बना लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह फंदे बुने मैंने, दो येलो के फिर से छोड़ दिए और हमने ये कपड़े की पट्टी को उधर किया, सिलाई को पलट लिया। और देखिए इस रो में जो जैसा है उसको हम यहाँ तक बना लेते हैं। अब देखिए फिर से मैं उल्टे तरफ आ गई हूँ, ये रो सीधे तरफ से पूरी कर ली मैंने। अब मैं यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर दूंगी, तो एक दो और ये ग्रीन वाले ऑरेंज, ये देखिए ऐसे, और ऑरेंज वाले ग्रीन। आप देखिए यहाँ पे दो चार छः आठ दस और दो बारह, बारह फंदे इस रो में बुने और दो फंदे हमने येलो से बुन लिए ऑरेंज वाले। और लास्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए लास्ट में दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से हम इसे पलट लेंगे और यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। और देखिए अब हम यहाँ से दो दो फंदे येलो के करते हुए और दो दो फंदे यहाँ पे छोड़ते हुए हम लास्ट के सभी फंदे इससे येलो से कर लेंगे। 32 फंदे यहाँ पे हमारे पास येलो से हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये कली बना लेते हैं, फिर आगे का आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 18 फंदे दो दो करके छोड़ दिए हैं और यहाँ तक सारे फंदे येलो कर लिए। तो दो दो फंदे ये देखिए इस तरह से आए हुए हैं छूटते हुए। तो अब देखिए यहाँ पे हाफ कली बन के ये कंप्लीट हो गई। तो अब हम यहाँ से पलट लेंगे और देखिए यहाँ पे देखिए ये दो फंदे लास्ट में ऑरेंज हैं। तो यहाँ से अब यही डिजाइन अंदर के साइड जाएगी, जैसे ये दो दो करके ऐसे आई हुई है अब ऐसे अंदर के साइड जाएगी। तो यहाँ पे हम दो फंदे ऑरेंज कलर से सिर्फ बुनेंगे, ये देखिए ये दो बुन लिए। अब देखिए ये देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये देखिए यहाँ तक हमने फंदे छोड़ दिए थे। तो देखिए इस रो में हम यहीं से पलट लेंगे इसको ऐसे। ये देखिए क्या हो गया, अब हम इसको क्रॉस कराएंगे, इसको आगे लाएंगे ऑरेंज वाले को और दो फंदे हम ये ऑरेंज से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो दो करके अंदर के साइड अब ये डिजाइन आ जाएगी। तो अब हम इन ऑरेंज वालों को ग्रीन से बुन लेंगे, ये देखिए एक और दो फंदे हम इसमें से येलो में से बना लेंगे ऑरेंज से, ये देखिए। तो यहाँ पे चार फंदे हमारे पास आ गए। अब उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ
सात आठ नौ दस, ये देखिए 10 फंदे बुने। अब देखिए दो दो फंदे हम आगे से लेते जाएंगे, उससे पहले देखिए ये गैफिंग हो रही है, तो गैफिंग को हम इस तरह से भरेंगे, एक फंदा हमने इस रो में से उठाया, एक इस रो में से दो फंदे हम उठाएंगे और अगले फंदे के साथ ये देखिए तीन का एक कर देंगे ऐसे, एक फंदा हमें और बुनना है, दो फंदे लेने हैं, यहीं से पलट जाना है, यहां से हम इसे उल्टा बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम इधर लाएंगे, ऑरेंज को दो फंदे हम ये ऑरेंज बुनेंगे और दो ग्रीन बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। आप देखिए यहाँ से हम फिर से पलट लेंगे, तो यहाँ से देखिए अब ये ग्रीन वाले हम फिर से ऑरेंज बना लेंगे ऐसे, और ये वाले ऑरेंज वाले ग्रीन, और दो फंदे येलो में से ऑरेंज बनाएंगे ऐसे, एक और दो, तो यहाँ पे ये देखिए छह फंदे हो गए, और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए यहाँ तक बना ली। अब दो मुझे आगे से लेने हैं, यहाँ से हमें ऐसे गैफिंग भरनी है, तो देखिए ये दोनों रो में से एक एक फंदा ले लिया और यहाँ पे तीन का एक कर दिया, जो फंदे मैं यहाँ से उठा रही हूँ उनको यहीं पे घटा दे रही हूँ और यहीं से पलट जाऊंगी। आप देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुन लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम क्रॉस करा देंगे ऐसे, ग्रीन को आगे लाएंगे, अब ऑरेंज को दो फंदे ऑरेंज से, ये देखिए जिस तरह से इस साइड देखिए ये दो दो फंदे आए हुए हैं ऊपर के साइड, ऐसे ही अंदर के साइड आ जाएंगे, तो देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम फिर से इनका कलर चेंज करते जाएंगे और यहाँ पे फंदे बराबर बढ़ते जाएंगे, ये देखिए इनका कलर चेंज कर दिया, अब ऑरेंज वाले ये देखिए इनको ग्रीन बना लेंगे और दो फंदे हम यहाँ से येलो में से ऑरेंज के बना लेंगे, तो देखिए इसी तरीके से हम दो फंदे यहाँ से लेंगे और दो फंदे यहाँ से करते हुए ऑरेंज और इनका कलर चेंज करते हुए यहाँ पे 16 फंदे हो जाएंगे ऐसे यहाँ तक, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने इस कली को यहाँ तक पूरा कर लिया है, अब मेरे पास ये 16 फंदे हो गए, देखिए यहाँ से ऐसे अंदर के साइड दो दो फंदे आ गए जैसे कि इधर से बाहर के साइड गए थे। अब देखिए इस रो में हमने यहाँ तक फंदे ले लिए, सिर्फ ये दो फंदे बचे हैं, तो अब हम इनको तो कलर चेंज करेंगे, पहले ये 16 फंदे हो गए हमारे पास, देखिए दो ऑरेंज वाले ग्रीन बना देंगे चार, और देखिए ये ग्रीन वाले ऑरेंज छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये देखिए 16 फंदे यहाँ पे ये हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम ये 16 फंदे हम इससे बना लेंगे ऑरेंज कलर से, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
और देखिए यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस तरह से दो का एक कर दिया और ये वाला फंदा ऐसे बना लिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए ये वाली कली पूरी हो जाएगी जब हम यहाँ से बनाते हुए जाएंगे, पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ से हम जो जैसा है उसको वैसे ही बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कली बनके कंप्लीट हो गई। अब आप चाहें अगर तो सेम कलियों से ये बना सकते हैं, और या फिर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस कली का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसी से दूसरी कली स्टार्टिंग आपको बता दे रही हूँ, आप चाहें तो कलर चेंज करके भी बना सकते हैं। तो देखिए ये वाले फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे, इनमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही बुनना है। ये देखिए ऐसे यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप देखिए यहां से दो दो फंदे फिर से हम ऊपर के साइड ऐसे जाएंगे यहां से देखिए, और यहां से ये देखिए यहां तक मैंने ये फंदे बना लिए हैं। अब देखिए सेकंड कली के लिए यहां से हम येलो कलर लगा लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये देखिए यहाँ तक बुन लिए, दो फंदे मैंने छोड़ दिए। और देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको अब मैं वैसा ही बुनूंगी। देखिए तो इस तरह से ये बना के पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।